Hello everyone, in this video you will get to know what are domain names. A URL sometimes called a web address. What is URL? URL is the web address of any web document. URL किसी भी web document का, किसी भी website का web address होता है. Okay? And how the URL is created? What are the different parts of the URL? URL कैसे बनता है? तो यहाँ पे जो हम word लाए हैं domain, okay? It is the part of the URL, okay? So URL contains the domain name of a site. URL क्या contain करता है? किसी भी site या web document का domain name, as well as other information और दूसरी information, including the protocol and the path. राइट, तो यू कैन सी द एग्जांपल हियर. यहाँ पे एक यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? प्रोटोकॉल एचटीटीपी. देन वी हैव सब डोमेन. ओके, www.google. गूगल यहाँ पे क्या है? डोमेन नेम. ओके, .com. कॉम क्या है? टॉप लेवल डोमेन. फाइन. ओके, नाउ इसको हम वन बाय वन करेंगे कि सब डोमेन क्या होता है, डोमेन नेम क्या है, टॉप लेवल डोमेन क्या है. राइट, नाउ इन द अबव यूआरएल गूगल इज़ द डोमेन नेम एंड डॉट कॉम इज़ द डोमेन टाइप. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर यूआरएल में गूगल डोमेन नेम है और डॉट कॉम, जो कॉम डॉट कॉम है, वो क्या है? वो उसका टाइप है. राइट, वो बता रहा है कि गूगल कौन सी वेबसाइट है? कमर्शियल वेबसाइट है. ओके, इन अ यूआरएल द पार्ट आफ्टर द प्रोटोकॉल. राइट, तो ये क्या कह रहा है कि एक यूआरएल में वो पार्ट जो प्रोटोकॉल के बाद आता है, एंड बिफोर द नेक्स्ट सिंगल स्लैश इज द डोमेन नेम. और नेक्स्ट सिंगल स्लैश से पहले का पार्ट, मतलब इतना पूरा पार्ट क्या कहलाता है? डोमेन नेम कहलाता है. फाइन, अ डोमेन नेम इज द यूनिक नेम डेट आइडेंटिफाइज अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. तो डोमेन नेम एक यूनिक नेम है जो किसमें हेल्प करता है? एक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है इंटरनेट पर. फाइन, ओके, नाउ वी हैव पार्ट्स ऑफ डोमेन नेम. सो फर्स्ट, डोमेन नेम्स आर मेड अप ऑफ थ्री पार्ट. डोमेन नेम को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. अ टॉप लेवल डोमेन, सबसे पहले क्या है? टॉप लेवल डोमेन, समटाइम्स कॉल्ड एन एक्सटेंशन और डोमेन सफिक्स. राइट, टॉप लेवल डोमेन, जो यहाँ पे आप डॉट कॉम देख रहे हो, इसको आप क्या बोलते हो? टॉप लेवल डोमेन. इसको आप एक्सटेंशन भी कह सकते हो या डोमेन सफिक्स भी कह सकते हो. ओके, सेकेंड है आपका डोमेन नेम और आईपी एड्रेस. फाइन, ये आपका डोमेन नेम है, ये पर्टिकुलर साइट का नेम है. ओके, इसको आप डोमेन नेम भी कह सकते हो और आईपी एड्रेस, बिकॉज डोमेन नेम कन्वर्ट होता है आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस कन्वर्ट होता है डोमेन नेम में. राइट, ओके, देन द थर्ड पार्ट इज ऑप्शनल सब डोमेन. तो यहाँ पे जो आपका www है वो क्या है? ऑप्शनल है. आप इसको, जो ऑप्शनल सब डोमेन है, उसको अपने URL में यूज भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. फाइन, ओके, द कम्बिनेशन ऑफ ओनली द डोमेन नेम एंड द टॉप लेवल डोमेन इज नोन एज द रूट डोमेन. ओके, तो यहाँ पे रूट डोमेन क्या है? डोमेन नेम और एंड टॉप लेवल डोमेन को कंबाइंड करके आपका रूट डोमेन क्रिएट होता है. राइट, तो आपको समझ में आ गया डोमेन नेम के थ्री पार्ट्स हैं. ओके, सबसे पहले है आपका टॉप लेवल डोमेन. ओके, जिसको आप डोमेन एक्सटेंशन या डोमेन सफिक्स भी कहते हैं. देन है आपका डोमेन नेम. राइट, देन वी हैव सब डोमेन, जो क्या है? ऑप्शनल है. फाइन, ओके, नाउ फर्स्ट हमारे पास क्या है? टॉप लेवल डोमेन. टॉप लेवल डोमेन रेफर्स टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आर डोमेन नेम. टॉप लेवल डोमेन क्या होता है? ये डोमेन का लास्ट पार्ट होता है, डोमेन नेम का लास्ट पार्ट होता है, जैसे .com, .gov, .net. ओके, तो ये आपका क्या है? डोमेन का, डोमेन नेम का लास्ट पार्ट है. ओके, नाउ टॉप लेवल डोमेन्स आर मेनली क्लासीफाइड इन टू टू कैटेगरीज. तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जेनरिक TLDs एंड कंट्री स्पेसिफिक TLDs. राइट, फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है HTTP www.microsoft.co.in. राइट, तो यहाँ पे आपका टॉप लेवल डोमेन क्या है? .co.in. राइट, सो हेयर .co इज लिस्टेड फॉर द कंपनीज. फाइन, तो ये आपका क्या है? जनरिक TLD है. .co जो बता रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या है? कंपनी है. ओके, एंड .in क्या स्पेसिफाई कर रहा है? ये कंट्री स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन है, जो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि इंडिया की कंपनी है. फाइन, सो दिस इज योर टॉप लेवल डोमेन. जो ये क्या है आपका, हमने जो फर्स्ट पार्ट किया है डोमेन नेम का. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? कुछ एग्जांपल्स हैं. सम मोस्ट कॉमन जेनरिक
टॉप लेवल डोमेन्स आर, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जेनरिक TLDs के, लाइक आपका .gov यूज़ होता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए, जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया whitehouse.gov, देन .mil आपका यूज़ होता है मिलिट्री वेबसाइट्स के लिए af.mil, .com होता है आपका कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए लाइक google.com, .edu होता है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए लाइक harvard.edu, राइट ओके, .org होता है आपका ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लाइक wikipedia.org, ओके नाउ आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कंट्री स्पेसिफिक TLDs के लिए, जैसे .in हो गया आपका इंडिया की वेबसाइट है, ओके .ca कनाडा की वेबसाइट है, .au ऑस्ट्रेलिया की है, .us यूनाइटेड स्टेट्स की है, .uk आपकी यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट है, ओके नाउ सेकेंड है हमारे पास डोमेन नेम, फाइन तो डोमेन नेम क्या है, अ डोमेन नेम इज़ द यूनिक नेम डैट आइडेंटिफाइज अ वेबसाइट, तो जो डोमेन नेम होता है वो वेबसाइट का नेम होता है, फाइन जैसे आपका हो गया गूगल माइक्रोसॉफ्ट, तो ये आपका क्या है डोमेन नेम, डोमेन नेम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वेबसाइट नेम एंड द TLD, तो हम डोमेन नेम को कैसे लेकर चलते हैं, दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ द वेबसाइट नेम एंड द TLD टॉप लेवल डोमेन, फाइन तो ये आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है HTTP, ओके ये क्या है आपका प्रोटोकॉल है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देन www आपका सब डोमेन है, राइट तो आपका डोमेन नेम यहाँ पे क्या है google.com, इन द अबव URL गूगल इज़ द डोमेन नेम एंड .com इज़ द डोमेन टाइप, ऑल्दो क्या है .com आपका डोमेन टाइप है, फाइन लेकिन जब आप डोमेन नेम कंसिडर करते हो तो आप क्या करते हो डोमेन नेम एंड इट्स टाइप, डोमेन नेम एंड टॉप लेवल डोमेन दोनों को कंबाइन करके आप एज अ डोमेन नेम कंसिडर करते हो, फाइन जैसे आप और डोमेन नेम्स के एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं amazon.com, healthcare.gov, facebook.com, तो ये सारे आपके क्या हैं ये आपके डोमेन नेम्स हैं, फाइन नाउ वी हैव सब डोमेन, अ सब डोमेन नेम इज़ अ पीस ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वेबसाइट डोमेन नेम, सब डोमेन एक क्या है एडिशनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप अपने वेबसाइट के डोमेन नेम के आगे यूज़ कर सकते हैं, डोमेन नेम के आगे आप उसको लगा सकते हैं, ओके इट अलाउज वेबसाइट टू सेपरेट एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ब्लॉग और एन ऑनलाइन स्टोर, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से क्या होता है वेबसाइट को सेपरेट कर सकते हो रेस्ट ऑफ द वेबसाइट से, बता सकते हो कि आपकी वेबसाइट किससे रिलेटेड है, वो ब्लॉग वेबसाइट है या शॉपिंग वेबसाइट है, ओके तो आप सब डोमेन का यूज करके ये आप बता सकते हो, फाइन जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो देखो यहाँ पे क्या है blog.hubspot.com, तो आपने यहाँ पे क्या किया है जो यहाँ पे ब्लॉग नेम से आपने सब डोमेन एड ऑन कर दिया है वेबसाइट के डोमेन नेम के साथ, तो इससे पता चल रहा है कि जो वेबसाइट है वो क्या है ब्लॉग वेबसाइट है, इन द सेम वे यहाँ पे देखो shop.hubspot.com, तो इससे पता चल रहा है ये शॉपिंग वेबसाइट है, फाइन तो सब डोमेन की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के डोमेन नेम के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। द मोस्ट कॉमन सब डोमेन इज www, जो सबसे कॉमन सब डोमेन है जो मोस्टली वेबसाइट यूज करती हैं वो है www विच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, दिस सब डोमेन कंटेन्स वेबसाइट्स होम पेज एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस, तो www सब डोमेन वेबसाइट के होम पेज को कंटेन करता है उसके सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस को कंटेन करता है, ओके द www सब डोमेन इज सो वाइडली यूज दैट मोस्ट डोमेन रजिस्ट्रार्स इंक्लूड इट विद डोमेन नेम परचेज, ये इतना ज़्यादा फेमस है कि मोस्टली लोग डोमेन नेम के साथ www सब डोमेन को भी परचेज करते हैं, फाइन तो हियर वी हैव आर डोमेन नेम, डोमेन नेम के तीन पार्ट्स हैं आपका टॉप लेवल डोमेन, ओके टॉप लेवल डोमेन एंड देन डोमेन नेम एंड देन सब डोमेन, सो वी हैव कवर्ड ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ द डोमेन, ओके एवरीवन इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।